नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो का मेन मकसद है चार्ट एनालिसिस करना। कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने भी लिस्ट है 150 स्टॉक्स के, उसमें से तीन चार स्टॉक्स मैं ढूंढ के ले आता हूँ आपके सामने। उसकी चार्ट एनालिसिस थोड़ी सी 30 मिनट्स, 1 आवर में या 15 मिनट्स में मैं करता हूँ। उसके सामने क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपको बताता हूँ। और मैं उसी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ जो अभी तक चला नहीं है या तो सपाट बैठा हुआ है। वो मेरा मेन मुद्दा रहता है। जो चल गए हैं उसको, पिछले दिन जो चल जाते हैं उसको मैं उठाता नहीं हूँ, जो नहीं चले हैं वही मैं उठाता हूँ। तो वही मेरा USB है। बने रहिए मेरे वीडियोस पे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और पिछले दिन का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसको डेफिनेटली देखो, और उसके साथ साथ आज का वीडियो तो डेफिनेटली देखो। और मेरे चैनल पे आके आप इंट्राडे स्ट्रेटजीज की जो प्लेलिस्ट है, वहां पे इंट्राडे के ऊपर मार्केट डायरेक्शंस, 5 मिनट से कैसे प्राइस एक्शन थ्योरी देखना पड़ता है, कैंडलस्टिक्स में कैसे देखना पड़ता है और स्टॉप लॉस कैसे देना पड़ता है, सब कुछ थोड़ी थोड़ी दिया हुआ है। पढ़िए, कैंडलस्टिक्स की सीरीज चल रही है, 13 वीडियोस आ चुके हैं, उसको भी पढ़िए। और बेस्ट इंडिया स्टॉक्स पर टुमारो जो सीरीज चल रहा है उसको तो देखिए ही, डेफिनेटली पिछले दिन का देख लीजिए। और बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, थोड़ी सी पोजिशनल वीडियो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वीडियोज बनाए थे, वो 2 वीडियोज जस्ट स्टार्ट हुए हैं, उसको भी आप फॉलो कीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। उसके साथ साथ मैं आप स्टार्ट करता हूँ। पिछले दिन का वीडियो अभी नहीं बताऊंगा, पिछले दिन जितने भी स्टॉक्स था वो आप इस 1 नवंबर का ये जो वीडियो है वहां से देख लीजिएगा। आज सीधा डायरेक्ट बात करूंगा क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करना जरूरी है। चार स्टॉक्स की नाम बताऊंगा। सबसे पहले L&T फाइनेंस ले आते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। 15 मिनट से इसलिए दिखा रहा हूं तो यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए 30 मिनट्स कर देता हूं। तो स्टॉक्स अगर आप देखो तो एक अप ट्रेंड बायस में, शॉर्ट टर्म एक अप ट्रेंड बायस में चल रहा है। अगर अप ट्रेंड बायस में चल रहा है तो डेफिनेटली सबसे पहले बाई की बात करूंगा। तो बाई डेफिनेटली आपको देखना है 97.75 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो सबसे पहला टारगेट आप 99 रख दीजिएगा और उसके बाद 100 रुपीज, मतलब दो टारगेट्स आपको मिलेंगे, 99 और 100, बाई अबव 97.75। अगर 97.75 के ऊपर सस्टेन करते हैं या 98 के ऊपर ट्रेड करते करने लगते हैं तो 99 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 100 रुपीज। अब इसमें क्योंकि एक छोटी सी फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है या सिमेट्रिकल पैटर्न बताओ, कुछ भी हो, अगर ऐसा दिख रहा है तो नीचे भी आने का संभावना है। तो नीचे अगर आते हैं, टूटते हैं तो आपको 96.25 के नीचे आपको देखना है सेल के लिए। 96.25 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 94.25, 93.60 ये दो आपके सपोर्ट हो गए जो बहुत आसपास होगा। तो 94 आप लगभग मान लीजिए कि 94 तक ये स्टॉक्स नीचे आ सकता है अगर डायरेक्ट गिरते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी अपट्रेंड सिनेरियो पे चल रहे हैं, अभी थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे, मगर चांसेस है ऊपर ज्यादा जाने की, ब्रेकआउट करने की ज्यादा चांसेस होगा, मगर देखना है कहीं पे भी एक करेक्शन भी आ सकती है। तो उसके हिसाब से आप L&T फाइनेंस को अपने वॉचलिस्ट के लिए सोमवार के लिए रख दीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट्स, बहुत दिनों के बाद ये भी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, मगर यहाँ पे एक थोड़ी सी ध्यान देना है कि इसका पिछले इम्पल्सिव मूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है तो अभी के लिए तो थोड़ी सी वीक पे है, मगर टोटल अगर मैं इसको देखूं तो एक बटम बंद करने की एक कोशिश चल रहा है। आप अगर फॉलो करो क्योंकि एक ओवरऑल एक रेंजिंग मार्केट में है ये स्टॉक्स, तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा, मगर थोड़ी कम वॉलिटिलिटी की स्टॉक्स है। मगर इस वक्त ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पे है क्योंकि अभी एक लास्ट जो पॉइंट्स बनाए हैं वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ एक पोल बने हैं, उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको दिख रहा है या फ्लैग पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो ऊपर अगर ब्रेक करते हुए दिखते हैं तो लगभग लगभग मैं कह देता हूँ 4180 के ऊपर अगर सस्टेन करते हुए दिखते हैं तो आपका पहला जो टारगेट है वो लगभग लगभग 4200 से लेके 4220 के बीच में होगा, मतलब 4210 आपका पहला टारगेट रखिए।
उसके बाद अगर चलते हैं तो सबसे पहले तो ये 4,220 के थोड़ी सी ऊपर जाएगा, तो दो टारगेट मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। 4,210 और 4,230, ये दो टारगेट्स आप फिलहाल के लिए रख सकते हो। अगर अच्छी मोमेंटम होगा तो 4,270 तक भी स्टॉक सोमवार को दिख सकते हैं। सो बाई अबव 4,180 सस्टेन करना जरूरी है। नीचे अगर ब्रेक करना चालू करे, क्योंकि कोई भी साइड में ऐसा स्टॉक्स ढूंढता हूँ जो कोई भी साइड में ब्रेक कर सकते हैं, तो अगर नीचे चालू करे तो 4,145 या 4,140 के नीचे सेलिंग क्राइटेरिया एक्टिव हो जाते हैं। सो 4,140 के नीचे सस्टेन करते हैं तो 4,120 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 4,100 या 4,090, दोनों में से एक मैं कहूंगा 4,100 ही रखिए, ज्यादा मूवमेंट करता नहीं है। सो नेक्स्ट स्टॉक्स अल्ट्राटेक हो गया, औरो फार्मा। फार्मा से है बहुत दिनों से एक पैरल एरिया पे बैठा हुआ है, एक चौपीनेस, एक टाइम वर्स करेक्शन चल रहा है। उससे पहले एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट था, उस डाउन ट्रेंड मूवमेंट को बंद करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स कुछ दिन पहले या 15-20 दिन पहले ऐसा सिचुएशन हम लोग पीईएल में भी देखा था। तो मैंने एक चीज कहा था कि जितनी देर तक ये रुकेगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो बहुत बड़ी चाल आने वाला है इसमें एज ए पोजिशनल भी। मगर देखना है कि 487 के ऊपर सस्टेन करते हैं या नहीं। इंट्राडे बेसिस में 4,487 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो पहला टारगेट 496 रखिए, दूसरा टारगेट 505 या 508, आप राउंडिंग करके 505 और 495, ये दो टारगेट्स आप रख सकते हो। 487 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर नहीं चले तो आपको देखना है 472 के नीचे अगर सस्टेन करना चालू कर दें तो फिर से नीचे का जो सपोर्ट है, जो इस चैनल का सपोर्ट है, वहां तक आ सकते हैं 460। तो सो 472 के नीचे सस्टेन करते हुए दिखते तो सेल करना है, 460 तक आपको टारगेट्स मिल सकता है सोमवार को। सो ऑटो फार्मा का बता दिया। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट मुथूट फाइनेंस, रिपूटेड काउंटर है, अपटेन बायर स्टॉक्स है, थोड़ी सी एक ट्रायंगल मतलब सॉरी रेक्टेंगल पैटर्न्स बना के चल रहा है, फ्लैट है और उसके आगे एक पोल है। सो पहली दफा में तो एक ही चीज कहूंगा कि जब एक स्ट्रांग रिलेटिवली स्ट्रांग स्टॉक्स है तो पहले बाय की बात करूंगा, तो 720 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। 720 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आपका पहला टारगेट 730 होगा और उसके बाद 735 होगा, ये याद रखिएगा। 730 और 735 ये दो ही टारगेट्स आपके लिए अगले सोमवार के लिए है। और नीचे अगर ब्रेक करते हुए मिलते हैं तो 697 के नीचे बेचना है, उससे पहले नहीं बेचना है। 697 के नीचे अगर सस्टेन करते हुए देखते हो तभी आपको 687 तक आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। मुथूट फाइनेंस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और धीरे धीरे हायर हाई हायर लो मेंटेन करके ऊपर जा रहा है। तो मैं पहला सिचुएशन बाई की बताया, 720 के ऊपर बाई है, 730 735 टारगेट से, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट एनालिसिस है। आप खुद भी चार्ट एनालिसिस कीजिए, आपको अगर पसंद आता है तभी लीजिए, नहीं तो सिर्फ देखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।